गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड लिसनर्स, डियर लिसनर्स। आज भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली जो विश्व में धमक बनाती जा रही है और एक से एक ताकतवर दल बनकर उभर रहा है, संसद से लेकर विधानसभाओं तक अपनी पैठ बना रहा है, कई राज्य सरकारों का संचालन कर रहे हैं। भारत के बारे में कहा जाता था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता वाला देश, अलग अलग जाति भाषा धर्म की प्रचुरता वाला देश, बहुलता वाला देश, और वही हाल हमारे राजनीति में भी हुआ। अनेक दलों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रखी है, एक दो नौ नहीं बड़ी संख्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कश्मीर पीडी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लंबे समय से दबदबा दिखाती रही हैं, और कन्याकुमारी की जब बात की जाए यानी तमिलनाडु की बात करूं तो वहाँ AIDMK और DMK दोनों दलों की सरकारें आती जाती रही हैं और बड़ी धमक है। अन्य दलों की उपस्थिति वहाँ बहुत ही कमज़ोर है। ये बात आगे बढ़ती रहेगी और जो नौजवान पीढ़ी है वो अपना हाथ आजमाए, जिन लोगों के पास बुद्धि बल, धन बल, विचार बल या अच्छी सोच के साथ अगर जितने भी हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैदान उतरें और भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को चार चांद लगाएं। इसमें बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है कि लोगों ने रेवड़ियाँ बांटने का सिस्टम बड़ा गंदा बना रखा है। हंसना और हंसाना भारतीय राजनीति सीख लें, रोकर वोट लेना और सत्ता बने और लोगों को रुलाना, इस तरह की संस्कृति का परित्याग कर दें। मैं कहता हूँ वोट लेते टाइम जनता को सर कहने में उनको परहेज नहीं है तो शासन करते टाइम भी सर कहें। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, वोट लेते टाइम भाई और बहन कहते हैं, शासन करते टाइम भी उनको भाई और बहन कहें, समझें माने। पंजाबी गायक गाना गाता है कि मेरी सरकार आएगी और DC SP मुझे सर जी कहेंगे, तो ये मैं कह रहा हूँ कि जनता की सरकार को आने दें, इस फूल को पूरा खिलने दें, अपना आचरण सुधारें। आज हरियाणा का ये नेता बता रहा था मीडिया को, मैंने 14 चुनाव लड़े, 8 विधानसभा मैंने, 4 संसदीय चुनाव 4 बार और 2 मेरी धर्मपत्नी ने, मेरे सांसद या संसद राजनीति के चलते 14 बार मैंने चुनाव लड़ा है। ये परंपरा रोक दी जानी चाहिए। बार बार हर संगठन में जो लोग अंदर एंट्री कर जाते हैं, घुस जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं कि उनके लिए जो लोग लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी मौका दें। जनता, हर पार्टी जनता की पहुंच वहां तक बनाए। 15 बार में अगर 15 लोगों को मौका दिया जाएगा हर बार एक को, तो मैं मानता हूँ 70-75 साल हमें हो गए, अभी तक 1,00,000 लोगों को हर पार्टी विधायक और सांसद का उम्मीदवार बनाने का मौका दे चुकी होती। प्रणाली बदलें, ये 14-14 बार का एक बार नवाब किसी को न बनाएं। 2,00,000 के आसपास औसतन, हालांकि हमारे बड़े विधानसभा क्षेत्र भी और कम मतदाताओं वाले भी हैं, परंतु 2,00,000 आमतौर पर एवरेज निकाला जाती है, माना जाता है 2 से 2.5 लाख मतदाता का औसत आता है एक विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या का, तो वहाँ बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग भी, उनको मौका दिया जाए, औरों को भी दिया जाए, एक व्यक्ति कुंडली मारकर न बैठे। और तो और बांटते टाइम कुछ जो मनोनीत सरकार द्वारा अनुशंसा जो की जाती जिन पदों पर, उन पर भी प्रतिभाशाली लोगों को मौका दें। मेरा यह मुख्य लक्ष्य प्रतिभा को आगे बढ़ाने की तरफ ही है। लोग बताते हैं साहब राज्यपाल के लिए उस व्यक्ति को लगा दो, बड़ी संवैधानिक जानकारी रखते हैं, वो कहते चाहे संविधान की से ABCD ना आती हो मत इसको बनाऊंगा। भाई ये जिद्दी ना पाले, ये बात नीचे की विधानसभाओं या राज्य सरकारों पर भी है, वहाँ भी इस तरह के संवैधानिक पद हैं, उनको बताया जाता है सर हम व्यक्ति इस पद के लिए ज़्यादा योग्य है उसको, यानी प्रतिभाओं को आगे लाए। ये लोकतंत्र की परिभाषा और संविधान की आत्मा भी ये करिए, प्रतिभाओं को जो अवसर दिया जाए, निजता को ज़्यादा हावी न होने दिया जाए। और एक ये सबसे बार बार जो रिपीटेशन और ओल्ड सिस्टम, मैं कहना चाहूँगा जो प्रशासनिक अधिकारियों को और नेताओं को
कोई विशेष स्थिति में छूट दी जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई विशेष अर्थ हो उसका हो, जो जनता भी समझ के और संगठन भी, वो अलग बात है। बाकी 60 साल से बड़े लोग जो हैं वो आराम की मुद्रा में, और लोगों को मार्गदर्शक मंडल बोलते हैं ये हर जगह, औरों के लिए बताते हैं अपने लिए नहीं बनाते उस मार्गदर्शक मंडल को। तो मैं इनसे विनम्र प्रार्थना करूँ सारे साथियों से, कल एक पंजाब में 92 साल या 90 साल के आसपास का उम्मीदवार चुनाव हारा है, ये ठीक नहीं है। 90 साल के व्यक्ति को दिन में 3 बार डॉक्टर संभालते हैं, और वो अगर स्टेज पर खड़ा होकर इस तरह की बुढ़ापे में हरकत करे कि मैं आपकी सेवा करूँगा, बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। विदेशी मीडिया सुनता भाई 90 साल का उम्मीदवार वहाँ बता रहा था 92 साल का 94 साल का कि मैं आपकी सेवा करूँगा, ये ठीक नहीं है। 3 बार चिकित्सक डॉक्टर भाई उसको संभालते हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उसका जीवन बना रहे, तो अच्छा भगवान उनकी लंबी उम्र करे। पर 60 साल से बड़े और रीअपॉइंटमेंट की जो पॉलिसी ला रहे हैं ये आप सब चाटुकारिता विकसित करने के लिए, दोनों बदमाशी। और मैं साफ शब्द बता देना चाहता हूँ कि हम इस तरह किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। ये सभी असंवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, और ये प्रतिभा के स्थान पर निजता बढ़ाना चाहते वो उचित नहीं है। राष्ट्रवाद भैया नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, तो जेल में चोर भी लगाने लग जाएंगे, क्या उनको मुक्त कर दिया जाए अपराधियों को? ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादी बनने के लिए आप अपनी विचारधारा अपनी कार्यशैली में राष्ट्रवाद लेकर आए। एक तो आज मैं ये कहना चाहूँगा इन नौकरशाहों को और जो जितनी भारतीय कुर्सियाँ हैं वो जनता को तो पाठ पढ़ाती नहीं अच्छाई का, कानून का, कि कानून क्या है क्या नहीं है, कानून कब टूट गया तो उनको डंडे के बल पर जुर्माने के बल पर अनेक प्रकार से साधा जाता। परंतु मैं ये यहाँ की कुर्सियों को कहूँगा कि जिस ढंग से वोट लेते हैं, मेरा आज यही कहना है, वो लेते टाइम जैसे सर और मैडम जी जैसे जनता को कहते हैं, निर्वाचित होने के बाद में मैं आज ये सभी से कहना चाहता हूँ कि भाई आप इसमें अपना सुधार कर लें। इससे हम मुझे शिकायत आपसे कि आप वोट लेने के टाइम आपका मुँह अलग प्रकार का है, और निर्वाचित होने के बाद में जो है ना आप फ़ोन तक अटेंड ना करें, आपका जो अटेंडेंट बार बार घुमाते रहे सर यहाँ नहीं है, बिजी है, मीटिंग में है, टॉयलेट में, ये नहीं भाई। मैं आपसे भाइयों सारों से अच्छा सुझाव दे रहा हूँ कि अपना ये जो बगीचा है भारत का लोकतंत्र का, ये और लोग पढ़ने हैं, और देशों को भी ये बार बार मैसेज भेज रहा हूँ कि आप इंडिया आइए, हम हमारे डेमोक्रेसी को अमेरिका स्विट्जरलैंड सबको बता रहे हैं कि भैया आपका कितना पुराना लोकतंत्र होगा, हमारा लोकतंत्र श्रेष्ठ हम सिद्ध करने जा रहे हैं, और श्रेष्ठता तभी होगी आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद।